मध्य प्रदेश के रीवा शहर में हुक्का बार में पुलिस ने दबिश दी। कई नाबालिग बच्चों को पुलिस ने पकड़ा। रीवा एसपी नवनीत भसीन के निर्देशानुसार चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी ने हुक्का बार पर दबिश दी, जिसमें समान थाना क्षेत्र के अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार में पुलिस ने कई नाबालिग बच्चों को पकड़ा। नगर पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अलग अलग स्थानों पर चल रहे हुक्का बार पर दबिश दी गई, जिसमें रीवा शहर के सभी थाना प्रभारी व स्टाफ भी मौजूद रहा। दबिश के दौरान देखा गया कि कई नाबालिग बच्चे हुक्का, सिगरेट और दारू का सेवन करते पाए गए। उनको समझाइश देकर छोड़ दिया गया। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक ने सभी जनता से अपील की कि अपने अपने बच्चों पर ध्यान दें, रात में बच्चे कहाँ जाते हैं और उनसे जानकारी लें। रीवा शहर में जहाँ कहीं भी नशे का कारोबार हो रहा है, पुलिस को खबर दें। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। जी हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर हमारे थाना प्रभारियों द्वारा और हमारे थाने के स्टाफ द्वारा कार्रवाइयाँ की गई हैं इसमें। और इसमें जहाँ जहाँ पर लड़कों का जमावड़ा लगता था, काफ़ी जगह से सूचनाएं आ रही थी कि यहाँ बैठ के नशा करते हैं, तो हम लोगों ने जाके वहाँ पर चेक किया, सर्च किया। उसमें बहुत मात्रा में नाबालिग लड़के भी पाए गए हैं, जिनको मौके पर समझाइश भी दी गई है और परिजनों को बुलाकर उनको सुपुर्द भी किया गया है, और साथ ही जो दुकान संचालक हैं इस प्रकार के, उन पर कार्रवाई भी की गई है। पहले भी कुछ कार्रवाई की गई थी? जी हाँ, ये कार्रवाइयाँ पहले भी की गई हैं और अभी भी वर्तमान में जारी हैं, और इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लगातार ऐसे सुक्का बार खुले हैं, वहाँ मतलब खुलेआम ऐसे किए जाते हैं गांजा वगैरह हर जगह? जी हाँ, इस पर हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और आगे जहाँ भी सूचना मिलती है वहाँ पर भी हमारी टीम जाएगी। और इसमें मैं अपील भी करना चाहूँगी, रीवा की जो जनता है वो अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। आजकल नाबालिग बच्चे बहुत ज़्यादा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, तो पेरेंट्स या गार्जियन जो भी हैं वो अपने बच्चों के बारे में जानकारी रखें कि वो रात के समय में कहाँ जाते हैं, किन दोस्तों से मिलते हैं, कैसी उनकी संगत है, क्योंकि नशे की लत फिर एक तह तक उसको अपराधी बना के ही छोड़ती है, और इससे ना केवल माता पिता को नुकसान होता है बल्कि समाज को भी नुकसान भुगतना पड़ता है। ये इंदिरा नगर, शारदापुरम, पोखरी टोला, समान तिराहा, सिरमौर चौराहा इत्यादि स्थानों पर निकाला गया था। जी हाँ, नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।